तुम क्यों आई हो? तुम यहाँ मुझे असल से बात करनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या बात करनी है तुमने? निकलो यहाँ से। मैं उनसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। अरे रूमी आई है? आप इससे कहें अभी और इसी वक्त निकले यहाँ से। अरे कोई बाप अपनी बेटी को घर से जाने का कैसे कह सकता है प्रेमिका? आप होंगे अपनी शफकत के हाथों मजबूर, लेकिन मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। निकलो यहाँ से। प्रेमिका, अगर तुम इसके रास्ते में आई ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद हो जाएंगे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बेटा अपने कमरे में जाओ। बार बार क्यों आ जाती हो मेरे सामने? आपका वहम नहीं है सर। एक कॉल भी नहीं किया आपने। बिजी था। पहले तो कभी मसरूफियत मुझसे ज्यादा अहम नहीं थी आपके लिए। पहले और भी बहुत कुछ ऐसा था जो आप नहीं है, लेकिन अब इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले से भी ज्यादा अच्छा। आप पापा बनने वाले। ये क्या कहा है आपने? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं समझौता करता रहा। लेकिन अब नहीं फेविदा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बिखर रहा है और मैं खामोश तमाशाई बनकर अपने घर के श्री राज्य को बिखरता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए जो भी कदम उठा बहुत सोच समझ के उठा रहा। अगर तुम इसके रास्ते में आई ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद हो जाएंगे। तुम्हारी वजह से मेरा घर बिखर रहा है और मैं खामोश तमाशाई बनकर अपने घर के श्री राज्य को बिखरता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए जो भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली है सर। आंटी ने इतनी बार रूमी को साथ के कमरे में जाते हुए देखा है। देखा तो मैंने भी बहुत बार है, अब कसम उठवा लें आप उससे। खुश से खुश नहीं होना चाहता मैं। डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। क्या क्या कहा आपने? मैं डॉक्टर को कॉल करके डिटेल्स पूछता हूँ, डीएनए टेस्ट करवाएंगे। नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना सर।
और आपको मुझ पर मेरी वफा पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए। जरा सा टेस्ट रूमी ही करवा लेते हैं। जरा सा टेस्ट, जरा सी बात आपके लिए होगी, ऐसा मेरे लिए नहीं है। अरे शौहर तो बीवियों पर उठने वाली उंगली काट डालते हो और आप वही उंगली मुझ पर उठा रहे हैं। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है आपने, ऐसा तो आप कह रहे हैं जरा से टेस्ट। हमको तो जीने से पहले जल्दी थी तुम पर मरने। तेरे और आपके दरमियान अब फासले कभी खत्म नहीं होंगे। जो लखीर हूँ मैं जा रही हूँ, अपनी भूल तकदीर हूँ मैं, कभी ना वापस आ रही हूँ। तकदीर है तकदीर है तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। तकदीर है तकदीर है तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन। फहमीदा, वो फहमीदा मुबारक हो, खुशखबरी है, रूमी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ हाँ।